आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। कौशाम्बी में यमुना नदी से अवैध खनन कर मोरक की धुलाई कर रहे माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई अब उसी के गले की हड्डी बनती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने तहसील प्रशासन व पुलिस के खिलाफ आरोप लगाते हुए खनन माफिया डॉक्टर निसार अहमद के बचाव में डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सपा के नेताओं ने प्रदेश की सरकार को दलित और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है। प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद शैलेंद्र कुमार ने सराय अखिल पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मोरम का अवैध खनन और परिवहन हो रहा था तो कार्रवाई का अधिकार जिला प्रशासन के पास है। सुरसैनी गांव के लोगों को ट्रैक्टर पकड़ने का अधिकार किसने दिया और बिना किसी सराय अखिल पुलिस ने भाजपा नेताओं के इशारे पर डॉक्टर निशार अहमद और उनके परिवार के लोगों पर एक पक्षी और मनमानी कार्रवाई की है। डॉक्टर निशार साहब अपने विरोध हेतु जो है एक ट्रैक्टर बालू ला रहे थे, पुलिस वालों ने चेक किया, उन्होंने जाने दिया। उसके बाद जो है गांव के ही कुछ लोग थे जिन्होंने वीडियोग्राफी की, उसमें अभी ज्ञापन में हम लोगों ने उनका नाम भी बता दिया है, जबकि उनको अधिकार नहीं है कि बालू अगर अवैध खनन है तो इसकी जिम्मेदारी खनन विभाग को है या पुलिस को है या एसपीडीएम जिसको डिप्यूट किए उनका अधिकार है। उन लोगों ने छेड़खानी किया, जबरदस्ती वीडियोग्राफी किया, उससे झगड़ा हुआ और चढ़कर इन लोगों ने मुस्लिम बस्तियों में बड़ा आतंक फैलाया, औरतों के साथ बेइज्जती की गई, औरतें आपके सामने भी बैठी थी और एक पक्षी कार्रवाई करके दोनों तरफ के लोगों को ले गए थाने पे। एक पक्षी कार्रवाई करते हुए मुस्लिम लोगों को बैठा लिया गया, उनको चोटें भी आई, उनकी मेडिकल भी नहीं हुआ, उनका चालान भी भेजने की तैयारी हो रही है। इस विषय में आज हम लोग जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एसपी का घेराव ज्ञापन दिया। हम लोगों ने कल सेना में विवाद हुआ थे उसको द्वारा जबरदस्ती गया, उसी संबंध में एसपी साहब को डीएम को ज्ञापन दिया। बाकी चीजें सदन भी बताए हैं लेकिन दुर्भाग्य है थाना है। यूपी के कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ एवं जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय लोक नाट्य समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी पुलकित खरे ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने हरदोई के सांस्कृतिक के प्रेमियों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। श्री खरे ने बताया इस 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव में शुभारंभ अवसर पर रासलीला महावीर सिंह एंड पार्टी मथुरा एवं आला धर्मवीर सिंह एवं साथी महोबा के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 29 जून को रामलीला मनीष तिवारी एवं साथी अयोध्या तथा कठपुतली प्रदीप नाथ त्रिपाठी एवं साथी लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 29 जून को नौटंकी हरिश्चंद्र एवं पार्टी कानपुर द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने आगे भी इस प्रकार के आयोजनों के लिए जोर दिया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार सिटी, मजिस्ट्रेट वंदिता श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ समाज सेवी अरुणेश वाजपेयी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर मौजूद रहे। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि अपने जिले के जितने भी कला प्रेमी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आने वाली 2 संख्याओं में यहाँ पर आएँ और कला के अलग अलग विधाओं का जो यहाँ पर आयोजन कराए गए हैं उसका आनंद लें। ये शुरुआत ही मैं कहूँगा क्योंकि अभी तक रसखान को लेकर भी कुछ मसले फंसे हुए थे शासन स्तर पर और अभी हाल में ही एक सुखद समाचार ये है कि वो मसले सुलझ गए हैं। तो हम रसखान को जो हमारी परिकल्पना थी कि रसखान को एक सांस्कृतिक हब की तरह से जहाँ पे हर हफ्ते या हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो वो कराए जाएँ, तो मैं कहूँगा कि ये एक तरह से उसका आगाज है कि ये 3 दिवसीय जो आयोजन हो रहा है उसी के बहाने हम लोग इस कल्चर का एक शुरुआत करें यहाँ पे हरदोई में। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट में जिला विद्यालय निरीक्षक बी के दुबे की मौजूदगी में राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रधान आचार्य के अलावा विषय विशेषज्ञों के प्रवक्ताओं के साथ बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बीटीसी डीएलएड की परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक बी के दुबे ने बताया कि विभिन्न जनपदों से 8 विषयों की कॉपियां प्राप्त हुई है जिनका 15 दिन के अंदर मूल्यांकन किया जाना है। इसी संबंध में सभी को निर्देश जारी किए गए। आज ये मीटिंग जो डीएलएड और बीटीसी की जो परीक्षाएं हुई थी
उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में थी, जिसमें हमें 8 विषय की हम उत्तर पुस्तिकाएं आई हैं विभिन्न जगहों से, जिन्हें हमें 15 दिन में मूल्यांकन का काम कराना है। इसमें हमारे राजकीय के और एडेड विद्यालय के प्रधानाचार्य और जो सब्जेक्ट के हैं लेक्चरर्स प्रवक्ता, उनको हमने इनवाइट किया था और उन्हीं से हमने चर्चा किया कि किस तरह से आपको निर्देश बताया कैसे करना है, इन्हीं को हम डिप्टी हेड और एग्जामिनर के रूप में बनाएंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। मंगल दल की संचालक रेखा तिवारी को ब्लॉक 52 की ग्राम पहेलिया मानपुर को नशा मुक्त करने पर विवेकानंद युद्ध अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 9 जिले से ब्लॉक 52 के ग्राम पलिया मानपुर में बहू बनकर आई रेखा तिवारी ने पूरे गांव को ही जैसे अपना कुटुंब मानकर यहां नशा मुक्ति अभियान चलाया और युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया। आप क्या नशा करते थे? पान, गुड़िया, तंबाकू जी, पान मसाला मतलब बहुत खाया। युवक मंगल की मतलब प्रेरणा अक्षरों में दी जी। जब आप स्वयं करते हैं तो औरों को सीख क्या दे पाएंगे। इसी तरीके मैंने स्वयं को पहले नशा मुक्त हुआ। कैसे छूटा नशा आपका? पता नहीं कहने सुनने थे, इन्होंने कहा देखो नशा छोड़ो तो बहुत फायदा है। हमने कहा ठीक, कैसे छुटी? हमने कहा प्रयास करो छोड़ने का, तो तंबाकू मुझको खाते थे छोड़ दी, छूट गई। कब से अब आराम है आपको? हाँ, कोई तकलीफ नहीं, ना कोई बीमारी है। आप कैसा नशा करते थे? पहले सिंगार खा लेते थे और थोड़ी देर छोड़ दिया। कब से? हो गया। कैसे छोड़ा आपने? खराब होता है, कैंसर बन जाता है, तमाम बीमारियां बताई। तो लोगों को आप क्या जागृत करती हैं? अब तक कितने लोग आपने नशा मुक्त कराए हैं? सभी गांव के हैं? और कुछ सामाजिक कार्य करती हैं आप? क्या और दवाई वाई आती है? यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी के NH2 पर हुए सड़क हादसे में किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सेनी थाना इलाके के डोरमा गांव की बताई जा रही है। परिवार के लोगों के मुताबिक मधुआ माई गांव का रहने वाला मुन्ना अपने ससुराल डोरमा आया था। वह सुबह किसी काम से सेनी जा रहा था, तभी अचानक किसी अज्ञात ट्रक ने मुन्ना की साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मुन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची सैनी पुलिस ने घर के लोगों को सूचना दी। मुन्ना की मौत के बाद घर में मातम का माहौल है। सैनी पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुन्ना की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ लुकिया ससुराल में 2-3 दिन हुए हैं, किसी काम से गए थे डोरमा, तो वहाँ से आते वक्त उनकी किसी ट्रक चालक ने उनकी मृत्यु कर टक्कर मार के मार चुका। फिर मौत क्या, उसको पता भी नहीं चला कहाँ है ट्रक वाला, कहाँ है, मौत हो गई इधर पर वहीं। यूपी के कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। देवास जिले के खातेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम अमली के जंगल से हिरण के शिकार की जानकारी मिलने से पुलिस अधीक्षक देवास अंशुमान सिंह द्वारा शिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज चौरसिया को निर्देश किया गया कि जिनके द्वारा थाना प्रभारी खातेगांव तहजीब काजी के नेतृत्व में मुखबिर लगाने एवं कार्रवाई हेतु टीम बनाकर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अमेली में जंगली जानवर के शिकार की घटना पर टीम ने घेराबंदी कर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी, तो मौके पर आरोपी मुबारक उर्फ पायलट खा पिता हबीब खा, लाल खा पिता मजीद खा को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से एक बंदूक, 12 बोर भरमार, एक बंदूक, एक नाल, खाली कारतूस, हिरण के बाल, खून तथा अवशेष जब्त किए गए। आरोपीगण के पास वन्य प्राणियों के संबंध में तथा जब्त आमर्स के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। शिकारी अकील, रजाक, जब्बार व अन्य फरार हो गए थे, उनकी तलाश की जा रही। गिरफ्तार किए गए आरोपी गण से पूछताछ पर जानकारी मिली कि ग्राम का वन चौकीदार सुजात खान ने भी शिकारियों की मदद की है, इसके आधार पर उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर आरोपी सुजात खान को भी गिरफ्तार किया गया है।
अमेली क्षेत्र में लगातार शिकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एडिशनल महोदय जो कर्नूल में है उनको और एसपी महोदय को बताया गया कि इसके संबंध में मुखबिर लगाए, तो हमने मुखबिर लगाए थे। मुखबिर से ये जानकारी प्राप्त हुई कि उधर शिकार करने के लिए कुछ लोग गए। सूचना पर हमने जो टीम वहाँ पर भेजी घेराबंदी की, घेराबंदी पर कुछ लोग तो भागे और कुछ लोग हमने वहाँ गया हाथ पकड़ने गए लोगों से। हमने जो उस टाइम पर जो बंदूक थी वो बंदूक जब्त की, जो हिरण की बाल खून ये हमने वहाँ घटनास्थल से जब्त किए और फिर आसपास वालों से भी पूछताछ की, जो लोग पकड़े थे उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पर ये पता चला कि रज्जात और लाल खां ये लोग यहाँ के मुख्य शिकारी हैं और ये जनरली जो लाइसेंसी बंदूकें हैं उनके आड़ में और दूसरी बंदूकें भी रखते हैं और उसके साथ में शिकार करते हैं 315 से, और खाली जो उसको होता है उसको फिर से भर के भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमने फिर आगे कार्रवाई की और कार्रवाई करने पर इनको अरेस्ट किया तीन लोगों को भी हमने। तीसरा जो सुजात का है वो वहाँ का चौकीदार था जो डेली वेजेस से फॉरेस्ट की तरफ से लगा था और फॉरेस्ट में काम करने के दौरान ही वो इन लोगों को भी जानकारी देता था। जब पुलिस पकड़ने गई थी और दूसरी भी जानकारी थी उनको उपलब्ध करवाई उसने और उनकी शिकार वगैरह में हेल्प करना, इसलिए उसको भी हमने मदद करने में अरेस्ट किया है। इस प्रकार अभी तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके और शेष जो खराब लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। खातेगांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा नगर निगम वार्ड नंबर 35 मठपुली क्षेत्र में रहने वाले लोग पहले निगम गठन के साथ शहर में शामिल हो गए हो, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए हो रहे हैं परेशान। इस वार्ड में रहने वाले को आने जाने के लिए नदी पार करना होता है। सड़क और नदी में रिपटा बनाने हेतु प्रशासन से भी मांग की गई। नगर निगम की ओर से किसी तरह मदद न मिलने पर वार्ड वासियों ने परेशान होकर स्वयं के श्रम व पैसे से रास्ता पुल बनाने का निर्णय लिया और काम चालू कर दिया। वार्ड दो हिस्सों में बटा है जिसके बीच नदी है। सबसे ज्यादा बारिश के दिनों में स्कूल जाने वालों बच्चों को होती है परेशानियां, जिससे वह स्कूल नहीं जा पाते। कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। नगर निगम के अधिकारी को 2 साल से ज्ञापन दिया गया, किसी भी अधिकारी ने ध्यान भी नहीं दिया। चूँकि नदी चोरी होने से लागत राशि ज्यादा है, निगम का बजट नहीं है बोलकर टाल देते हैं। रोड नहीं है, कच्ची रोड है और नदी में रिपटा नहीं है, जिसके कारण स्कूली बच्चों को और किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है। यहाँ पर बरसात में आना जाना हमारे लिए मुश्किल का सबक है और इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और इसमें प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। कई बार हमने ज्ञापन सौंप चुके हैं, प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया है और कई बार शिकायत भी की है इस मामले में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम अब खुद ही गाँव के किसान लोग मिलकर इसका हल निकाल रहे हैं और सभी मिलकर इस रोड को खुद ही हम बना रहे हैं। इसके लिए हमें जो भी खर्चा आ रहा है हम खुद हमारे जेब से इसका खर्चा निकाल के और रोड बना रहे हैं और इसमें हमारी प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 35। ऐसा नहीं है जो हमारे जो भी गाँव जुड़े हैं और तहसील निगम बना है उनसे सारे गाँव प्रधानमंत्री की आवास के मकान बन रहे हैं, पाइपलाइन चल रही है तो, और बल्कि ये जो हमारी चलावर दंड है वह भी धीरे धीरे हम लोग करवा रहे हैं और करवाएंगे। छिंदवाड़ा से नरेंद्र साहू की रिपोर्ट। कौशाम्बी के चायल तहसील में यमुना के घाटों से अवैध मोरंग का खनन रोक पाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रही है। जिला प्रशासन की सुस्ती से नाराज सराय अखिल थाने के सुर सैनिक गांव के लोगों ने अवैध मोरंग माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने उमरवल यमुना घाट से अवैध मोरंग का खनन कर ट्रैक्टरों में ओवरलोड परिवहन कर ले जा रहे माफियाओं के वाहनों को ग्रामीणों ने रोक लिया। इतना ही नहीं, चायल तहसील प्रशासन को सूचना देकर ग्रामीणों ने माफियाओं की करतूतों को मोबाइल में वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। ग्रामीणों की इस कार्रवाई से नाराज बालू माफिया और उसके गुर्गों ने लाठी डंडों से ग्रामीण युवकों की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने बालू माफियाओं के वाहनों को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीण और बालू खनन माफिया के बीच भिड़ंत की जानकारी मिलते ही सराय अकील पुलिस के साथ चायल तहसील के SDM और सर्किल अफसर भी मौके पर पहुंचे। कई घंटों की जदोजहद के बाद SDM और CO ने ग्रामीणों को मोरंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को शांत करा दिया।
साहब इलाहाबाद से बच्चों की विद्यालय छोड़ने गए तो वहाँ वापस घर आ रहे थे, तो जलथापुर के पास पुलिस वाले 3 ट्रैक्टर अवैध बालू खनन करके मोरल घाट से जा रहा था, उसको रोक करके जाँच चेक कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि क्या बालू अवैध खनन है, तो दरोगा जी ने कहा कि यहाँ अवैध है, तो मोबाइल का कैमरा निकाल के अपना मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने जा रहे थे। तो तुरंत मारना निसार अहमद और 20-25 लड़के और से मारना शुरू कर दिया, ट्रैक्टर उनके पैर पर चढ़ा दिया, कहा ट्रैक्टर से इनको जान से मार डालो, ट्रैक्टर चढ़ा रहा था और वहीं पर उनको गंभीर चोटें आई है और अवैध खनन बालू खनन लगातार हो रहा है। साजिद अली उद्योग जो प्रेम तैनात वो करवा रहा है, निसार अहमद लगातार 3-4 महीने से मुरल घाट से अवैध खनन कर रहे हैं और उसी पर जो है ट्रैक्टर चढ़ा के हत्या करना चाह रहा था, पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। आ रही थी एक किसी सज्जन की थी और दूसरे सज्जन की फोटो लेने लगे, इसी बात से जो है दोनों में विवाद शुरू हुआ, तो विवाद की जानकारी होने में पुलिस पर आया है, मौके पर विवाद शाम को कोई दिक्कत नहीं है और जैसी भी तहरीर होगी कार्रवाई की जाएगी संबंध में। यूपी के कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। उमरिया जिले के एक सचिव आमदा करने की बात सामने आई जिससे प्रशासन हरकत में आया। यह मामला जनपद पंचायत करकेली के अंतर्गत ग्राम पंचायत कॉलोनी के सचिव ननकू सिंह जिला कलेक्टर को अपनी समस्या को लेकर आवेदन दिया था कि मुझे 3 माह से वेतन नहीं दिया गया जिसके कारण मुझे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इसलिए 28 जून को करकेली जनपद कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की बात कही। समय 2 बजे जिला प्रशासन हरकत में आया और पुलिस व्यवस्था को लेकर पुलिस द्वारा करकेली जनपद कार्यालय समक्ष व्यवस्था बनाई गई, लेकिन कोई किसी तरह से कोई बात सामने नहीं आई। इस पर जब हम करकेली मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर के मडावी से बात की तो बताया कि वेतन को लेकर ऐसी समस्या सामने आई है, हर माह वेतन दिया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा तभी ऐसा फैसला लिया गया, लेकिन 5 बजे तक कोई समस्या नहीं हुई, शांति व्यवस्था बनी रही। जो उनके पास वेतन की बात है तो वेतन का भुगतान उसका कर दिया गया, पहले से हो चुका है, उसका खाते में पुलिस वालों ने तहकीकात करवा लिया है। 27/6/2018 को जनपद पंचायत करकेली से सीओ साहब के यहाँ से एक पत्र थाना गया था के ननकू सिंह जो सचिव है कॉलोनी का रहने वाला है धमनी का, उसके द्वारा बताया गया कि मेरी 3 माह से वेतन नहीं मिल रही है, मैं परेशान हूँ और जो मैं आत्मदाह यहाँ करूँगा, तो उस चीज़ को लेके मैं बैंक गया, बैंक से मैंने उसका बायोडाटा लिया तो बैंक से उनका पेमेंट पूरा हो गया, कोई वेतन बाकी नहीं है। तो वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश हुआ कि सुरक्षा व्यवस्था बनाना है, वहाँ जाके रहना है, तो हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, अभी तक ननकू सिंह यहाँ नहीं आए हैं, सब शांति बनी हुई। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। भारतीय सेना में तैनात मुरैना जिले के पहाड़गढ़ जनपद की ग्राम पंचायत परसोटा के सपूत व हवलदार श्री शत्रुघ्न सिंह ठाकर सीमा पर बुधवार को शहीद हो गए। वह देहरादून में तैनात थे। शहीद की पार्थिव देह गुरुवार को उनके पैतृक गांव परसोटा जोरा लाई गई। शहीद श्री शत्रुघ्न सिंह ठाकर परसोटा के रहने वाले किसान श्री गंगाराम ठाकर के सुपुत्र थे। आज गुरुवार 28 जून 2018 को ग्राम परसोटा में उनका अंतिम संस्कार सैनिक सम्मान से किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा में मुरैना जिले के कलेक्टर भरत यादव, पुलिस अधीक्षक, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व विधायक श्री मणिराम ढाकर, जिला पंचायत सदस्य श्री टोनी ढाकर, पूरन ढाकर, प्रदेश अध्यक्ष श्री धरणीधर समिति अमर सिंह ढाकर सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग, जनप्रतिनिधि, सरपंच व समाज बंधु शामिल हुए। केलारे से राजन सिंह ढाकर की रिपोर्ट। क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह के द्वारा स्वच्छता निधि से विभिन्न वार्डों के अनेक गरीब लोगों की सहायता के लिए चेक के माध्यम से सहयोग राशि भेजी गई, जो ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय आवरण पर कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं के बीच चेक वितरित किए गए। चेक प्राप्त करने वाले निम्न लोग उपस्थित रहे: देवेंद्र सिंह, नेत राम, शिवानी राम रतन, रूपमती बाबूलाल, विनोद लाला राम आदि कई लोग मौजूद थे एवं चेक प्राप्त करने वाले लोगों ने विधायक श्री सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद किया। महोदय सिंह जयवर्धन सिंह जी द्वारा गरीबों की मदद के लिए शिक्षा निधि से चेक के माध्यम से राशि वितरित की गई है, वो हमेशा गरीबों की मदद करने में सबसे आगे रहती है। गांव के लोग हों चाहे आर ओ लोकल के लोग हों, सभी के लिए चेकों के माध्यम से राशि वितरित करके गरीबों की मदद की जाती है, इसलिए हमने विधायक द्वारा जो हमें प्रदान किए गए उनको इतराइयों के लिए हमने अपनी आंखों से देखकर के
उनको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। आरोन से सोनू साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन की योजना मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल एवं बकाये बिजली माफ योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने के लिए हितग्राहियों की बिजली कंपनी कार्यालय प्रांगण में भीड़ देखी जा रही है। योजना के तहत हितग्राहियों को प्रति माह 200 रुपए में बिजली मिलेगी एवं बिजली बिल माफ योजना के तहत 30 जून तक की बकाया बिल राशि माफ हो जाएगी। सरल योजना में पंजीयन के लिए असंगठित श्रमिक का बीपीएल राशन कार्ड धारक होना जरूरी है। वहीं बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री राजेश दुसाद ने बताया कि इस योजना की खबर से हितग्राही सक्रिय हो गए हैं और प्रतिदिन स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में आकर फॉर्म जमा कर रहे हैं। अभी तक 4040 उपभोक्ताओं का पंजीयन हो चुका है जिन्हें जुलाई माह में योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ देने के लिए विभागीय स्तर पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नसरुलागन से रमाकांत मंसूरिया के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।